चलो महिला क्या चलो पीछे चलो और सामने से गोली मार दो, हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी और उन्हीं की पार्टी की राजस्थान में सरकार है, लेकिन उस राजस्थान में पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों की विधवाएं सड़कों पर जमकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आलम ये हो चला है कि ना ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता और ना ही खुद सूबे के मुखिया इन शहीद जवानों की विधवाओं और उनके बच्चों की सुध ले रहे हैं। ये वही गहलोत हैं जिनकी पार्टी के नेता पहले भी कई मर्तबा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांग चुके हैं, और वो भी उस घटना के सबूत जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे, यानी पुलवामा हमले को लेकर पहले ही कांग्रेस मोदी सरकार पर हमलावर है। और अब इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा प्रदेश गृह मंत्री ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवालों की बौछार कर दी है। देखिए, इससे ज्यादा घिनौनी बात को और हो नहीं सकती। जो लोग सीमाओं पर हमारे लिए शहीद हो रहे वो सर्वोच्च बलिदान दे रहे हैं और उनके लिए कस्में खाई जाती हैं, बहुत कुछ वादे किए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसमें किसी को पूरा नहीं किया। और जो विधवाएं हैं उनको मोर्चा लगाना पड़ा। वैसे तो कांग्रेस का खून ही ये है, क्योंकि कारगिल के शहीदों की विधवाओं के लिए जो फ्लैट बने थे उसमें से भी ये बहुत सारे खा गए थे, तो इनका तो खून ही ऐसा है। दरअसल 2019 में जो वादा किया गया वो वादा गहलोत सरकार ने अभी तक पूरा किया नहीं। क्या कहना है इन वीरांगनाओं का दर्द भी जरा उन्हीं के जवान से सुनिए। मुख्यमंत्री जी हमारे से क्या ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, हमारे से क्या हम गलती कर रहे हैं, हम आपसे 2 मिनट का हमारे के लिए टाइम नहीं है क्या आपको, जबकि मेरे शहीद स्मारक में जब शहीद हुए थे तब गए थे मंत्री, तो हमारे को बोल के आए थे, हमारे वो मांगे लेके आए थे, हम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। सम्मान तो दूर की बात है, पर हमारे साथ इतना बुरा अत्याचार क्यों आ रहा है, और आप ऐसे चाहते हो तो आपके सामने हम खड़ा हो जाते हैं और सामने से गोली मार दो, हम तैयार हैं, पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में अशोक गहलोत ने साफ साफ वीरांगनाओं की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहा है वो भी समझिए। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हम शहीद के बच्चों के अधिकारों को रौंदकर किसी अन्य रिश्तेदार को नौकरी देने को कैसे जायज ठहरा सकते हैं? बड़े होने पर शहीद के बच्चों का क्या होगा, क्या उनके अधिकारों को कुचलना उचित है? बहरहाल इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और आने वाले वक्त में चुनाव भी है। राजनीतिक पंडितों का मानना ये भी है कि इसका इस्तेमाल जमकर किया जाएगा, यानी शहीदों पर एक बार फिर से सियासत गर्म हो चली है। VK News, राष्ट्र के नाम।